हेलमेट लगाने से बाल खराब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लगाना पड़ता है क्योंकि सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से बीच में पड़ेगा गौरीगंज, वो है यहाँ से करीब 22 किलोमीटर, आई थिंक 22 किलोमीटर है, और वहाँ से 10 किलोमीटर है उल्टा गढ़ा। तो अभी मैं बहादुरपुर हूँ, पेट्रोल भरवा लिया है पेट्रोल टंकी में, अभी वहाँ के लिए निकलता हूँ, सीधा गौरीगंज पहुँच के बातें करते हैं। 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके मैं पहुँचा हूँ गौरीगंज, और गौरीगंज में करीब शायद 30 मिनट पहुँचा हूँ बाइक से। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक है अमेठी के लिए और ये है जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए। यहाँ से फिलहाल मेरी मंजिल है 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर का रास्ता भी तय करते हैं। और यहाँ पे चेकिंग बहुत तेज से चल रही है, जिसके मन में खोट होता है तो वो बहुत जल्दी डर जाता है, तो फिलहाल समझ लो कुछ ऐसा। तो पहले एक चेकिंग मिली थी एक जगह जहाँ पे मैं सोचा था कि शायद रोकेंगे, लेकिन ट्रक के पीछे से निकल गया था। अभी गौरीगंज में मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरे पास कई सारे पेपर्स नहीं है गाड़ी के, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से करीब 6 किलोमीटर है, और मैं सोचा देख लूँ क्योंकि मुझे रास्ता बिल्कुल ही नहीं पता, गूगल मैप के थ्रू यहाँ जा रहा हूँ और पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे। मैं सोच रहा था बहुत दिन से जाऊँ वहाँ पे, लेकिन फिलहाल कई सारे लोगों से पूछा है, उन्होंने पता नहीं क्या पता मुझे समझ नहीं आया, लेकिन गूगल मैप के थ्रू मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर है, आगे चलते हैं देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आ चुका हूँ उल्टा गढ़ा में, और ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं ये बहुत ही ऊंची मूर्ति है। अभी ये मंगलवार को यहाँ पे मेला लगता है, और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था रास्ता, लेकिन फिर भी मैं पहुँच गया यहाँ पे, बहुत खुशी की बात है। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं, वहाँ की कुछ शॉट दिखाता हूँ कैसा है मंदिर। ये मंदिर का फ्रंट है, जो कि यहाँ पे एक सुरसा डाइन है जिसके मुंह से लोग अंदर जाते हैं, और आगे यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो सुरसा डाइन का मुंह है इसके अंदर से लोग इंटर करते हैं इस मंदिर के अंदर। और पीछे मूर्ति है, बहुत ही बड़ी मूर्ति है, अभी इसके अंदर चलते हैं। अभी हम जस्ट इसके अंदर इंटर करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बड़ा मुंह बना हुआ है, बहुत ही बड़ा है, और ये दांत वगैरह देख सकते हैं, वैसे भी डर लगता है बच्चों को, लेकिन हमें डर नहीं लग रहा। पीछे देख सकते हैं यही मूर्ति है, जिसकी वजह से ये जो जगह है बहुत ही फेमस है, बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। और फिलहाल आज मैं इसी की वजह से आया हूँ कि है क्या चीज़, कितनी बड़ी मूर्ति है यहाँ पे, एक्सप्लोर करते हैं। तो आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है, सुबह भीड़ थी लेकिन इस टाइम पर बहुत कुछ खाली है, यहाँ पर सिर्फ ये मूर्ति है और आगे ये बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, और बस इसके वजह से यहाँ पर मेला भी लगता है और यहाँ पर भीड़ भी इसके लिए वजह से लगती है, और यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे बंदर वगैरह हैं बहुत सारे, तो बच के रहिएगा अगर आप आ रहे हैं यहाँ। तो फिलहाल कुछ लोग तो यहाँ पे मुझे रिकमेंड कर रहे थे यहाँ पे जाओ वीडियो बनाओ, और फिलहाल कुछ लोग अभी जो वीडियो देख के आए हैं यहाँ पे, तो फिलहाल बंदरों से बच के रहें, यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड है नहीं, और लगभग मंदिर में जाते हैं तो ज़्यादातर क्राउड होता है, और यहाँ पे कुछ खाली है, एकदम बिल्कुल खाली है, और पीछे मूर्ति देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बनी हुई है, और आगे मेला भी लगता है। और ये हमें यहाँ पहुँचने में कुछ तो प्रॉब्लम पड़ी, लेकिन गूगल मैप की वजह से मैं यहाँ पर सेफ और जल्दी पहुँच गया यहाँ पर। अभी मैं देख रहा था कि अगर पैदल जाते हैं तो कितना, यानी पैदल वाला शॉर्टकट रास्ता दिखाता है, बाइक से जाएंगे तो पैदल पता नहीं कौन कौन से जगह से गांव से होके वहाँ जाया जा रहा है, तो मैं सोचा कि गौरीगंज होके ही जाता हूँ, क्योंकि एक मन कर रहा था कि वहाँ से होके ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत चेकिंग पड़ती है, और मैंने कई जगह देखा वो पुलिस वाले चेक कर रहे थे गाड़ी वगैरह, तो मुझे डर लग रहा था थोड़ा,
तो अब देखते हैं, फिलहाल जाएंगे तो उसी की और देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल यहाँ से हम जा रहे हैं और ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर के, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे जरूर से आइए और यहाँ पे जरूर से दर्शन करें, और यहाँ की फोटो बहुत सारे लोग क्लिक करते हैं और खिंचवाते भी हैं, पोस्ट भी करते हैं, कई सारी जगह मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था। तो फिलहाल ये यहाँ की फोटो कुछ ज़्यादा ही फेमस है, आप भी आइए, आप भी अपलोड करिए, अच्छा लगता है। पीछे मेला लगा हुआ है और यहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। और फिलहाल हम भूखे थे, अभी बज रहे 11, तो फिलहाल सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो फिलहाल अभी यहाँ पे मैंने चाट खाई और उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ घर के लिए। अभी गौरीगंज में शायद एक मॉल है, वहाँ पे रुकूं क्योंकि मुझे एक हुडी लेनी है। तो मैं फिलहाल अभी मैं गौरीगंज के फेमस मॉल वी मार्ट में हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ हुडीज खरीदना था। आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलती है या नहीं मिलती। इस मॉल में मैंने बहुत सारे कपड़े देखे, ये मॉल इस जगह पे सही है लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम है, यहाँ पे जो कपड़े हैं थोड़ा क्लासे मिलते हैं और प्रीमियम मिलते हैं। तो फिलहाल मैं चलता हूँ घर, आप लोग ये शॉट देखिए। ऑलराइट गाइस, घर पहुंचा था करीब 1 बजे और खाना वाना खा के मैं खेत में आ गया हूं और यहां पे करीब बज रहे हैं अभी 3:30 और फिलहाल हम अपने खेत में आ चुके हैं। ये है मेरा खेत जहां पे हमने गेहूं बो रखा है और हमारा ये इधर एक खेत है जिसमें हमने आलू लगा रखी है और ये विंटर सीजन आ गया है तो यहाँ पे फिलहाल गेहूँ बोया जा रहा है और धान की कटाई हो रही है। तो फिलहाल आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे जो लोग अभी हमारा वीडियो देखते हैं वो 84.7% लोग हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसा ही वीडियो देखते हैं। तो उनसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, सब कुछ तरह से निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। बिना बेल आइकन प्रेस किए, बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं तो नोटिफिकेशन जाते ही नहीं, तो
कंटिन्यू कनेक्ट नहीं हो पाते हैं लोग, तो फिलहाल उनको शायद वीडियो कुछ ऑकवर्ड लगता है या कुछ अजीब लगता होगा। तो फिलहाल और एक चीज़ बता दूं कि आधे से ज़्यादा लोग, मतलब 44% लोग जो हैं जिन्होंने ऑल बेल आइकन नहीं दबाया है, सिर्फ बेल आइकन दबा दिया है बस, तो उससे नोटिफिकेशन कभी कभी जाती है कभी कभी नहीं जाती है। और यूट्यूब का होम पेज खोलते हैं तो वहाँ पे वीडियो दिखती हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जाता उन लोगों को। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए और जब भी वीडियो देखिए वीडियो को तो लाइक जरूर से कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर दिया करें। कमेंट करते हैं आप लोग तो हमें और भी उत्साह मिलता है कि वीडियो बनाऊं और लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें ताकि वीडियो मैं बनाऊं और बनाता ही जाऊं। गाइज मेरा ये काम बाकी था, ये भी मैंने खत्म कर लिया है, तो फिलहाल वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों ने जितना प्यार हमें पिछली वाली वीडियो में दिया है उतना प्यार इस वाली वीडियो में भी बना के रखिएगा, और हाँ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर से करिएगा। बाय बाय।